हार्दिक राशिद और गिल जैसों को ड्राफ्टिंग सिस्टम में अपना बनाकर किया था बहुत ही बढ़िया काम, लेकिन मेगा ऑक्शन में हो गई थी थोड़ी बहुत हालत खराब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पहली आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम करने में गुजरात होगी कामयाब। व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2022 के न्यू बॉर्न फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस की, जिन्होंने मेगा ऑक्शन से पहले ड्राफ्टिंग सिस्टम में राशिद खान, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल जैसे अच्छे तगड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में लिया था। और तब सभी को ऐसा लगा कि ये टीम मेगा ऑक्शन में धमाका मचा देगी, लेकिन मेगा ऑक्शन में ये टीम बुरी तरह से लड़खड़ा गई और ऑक्शन का इनएक्सपीरियंस इनके अंदर साफ झलक करके दिखाई दिया। तो अब अगर गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 में अपनी छाप छोड़ना चाहती है और आईपीएल जीतने के से पहले अगर वो टॉप 4 में पहुंचना चाहती है तो उसको किन फैक्टर्स पे काम करना होगा, कौन से वो 3 अहम पहलू हैं जो गुजरात टाइटंस को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी जिता सकते हैं, और उसके साथ-साथ क्या होगी गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्योंकि जेसन रॉय के जाने के बाद और शुरुआत में प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, प्लेयर्स की फिटनेस, ये सारे अहम फैक्टर होने वाले हैं गुजरात टाइटंस के। तो उनकी प्लेइंग 11 के बारे में भी हम बात करेंगे, साथ ही में हार्दिक पांड्या के फिटनेस को लेकर भी बड़ी अच्छी खबर आई है तो उस बारे में भी चर्चा होगी। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, की बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है खास करके गुजरात टाइटंस के बारे में, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी ये सब आईपीएल में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो मैं तो इस फ्रेंचाइजी को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, हालांकि इनकी टीम पेपर में उतनी ज्यादा एक्साइटिंग दिखाई नहीं पड़ती है। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली जो अब 18,000 ब्यूटीफुल लोगों की हो गई है। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव माय आईज। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 20,000 सब्सक्राइबर्स पे एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाली है। सो अगर आप वो अनाउंसमेंट जानना चाहते हो जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर कर दो जो लोग बिना सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर वन फैक्टर जो गुजरात टाइटंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द आईपीएल 2022 इज हार्दिक द कैप्टन। बहुत लोगों का काफी हाई एंटिसिपेशन है और लोग ये देखना चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को अपना आइडल मानने वाले और रोहित शर्मा की कप्तानी में अपना करियर शुरू करने वाले हार्दिक पांड्या इस साल कैसी कप्तानी करने वाले हैं इन द आईपीएल। हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को लेकर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं और मेरा मानना है कि लोगों की एंटिसिपेशन से ज्यादा अच्छी कप्तानी वो करते हुए हमें दिखाई देंगे। हालांकि टीम उनको उतनी अच्छी नहीं मिली है और उनके खुद की परफॉर्मेंस पर भी उनकी टीम का भविष्य पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो हार्दिक द कैप्टन के साथ साथ हार्दिक द ऑलराउंडर की टीम को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो टीम को एक ऐसा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, ना सिर्फ फिनिशर का काम करेंगे बल्कि आपको बीच में बॉलिंग भी करके देंगे। हालांकि उनका साथ देने के लिए विजय शंकर वहां पर मौजूद जरूर है, जो उसको मुझे लगता है इसी वजह से उन्हें लिया गया था कि थोड़ी बहुत हार्दिक पांड्या की वहां पर वो मदद करेंगे। तो बॉलिंग में वहां पर विजय शंकर उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन हार्दिक द बैट्समैन को भी वहां पर हार्दिक द कैप्टन का पूरा पूरा साथ देना होगा और फिनिशर का रोल अपने कंधों पे लेना होगा। सी इस बारे में कोई भी दो राय नहीं है कि गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो पेपर पे उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती है, ना ही इनकी टीम में कोई बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर्स है। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ये टीम बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन हमने आईपीएल में अक्सर देखा है कि एक दो इंडिविजुअल अगर अच्छा करना शुरू करते हैं तो टीम का हर साथी उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगता है। और हार्दिक पांड्या जो कि इस टीम के कप्तान है, मेरा ओपिनियन ये है कि वो बढ़िया कप्तानी भी करने वाले हैं और अगर उनका बल्ला चलता है तो उनकी कप्तानी में भी उनको मदद मिलेगी और ये गुजरात टाइटंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। सेकंड फैक्टर विच विल प्ले अ की रोल फॉर गुजरात टाइटंस इन द आईपीएल 2022 इज मैजिकल राशिद खान। राशिद खान इस गेंदबाजी क्रम के वो स्पीयर हेड है और वो तुरुप के इक्के होने वाले हैं हार्दिक पांड्या की इस टीम के लिए, जिसके इर्द गिर्द मेरा मानना है कि पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है गुजरात टाइटंस का। राशिद खान अगर इस साल उसी तरीके की गेंदबाजी करते हैं जिस तरीके से वो सनराइजर्स हैदराबाद में किया करते थे, तो अगर थोड़ा बहुत भी साथ यहां पर मिलता है लोकी फर्गसन, मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, ये सारे बॉलर्स अगर यहां पर राशिद खान का साथ देते हैं तो राशिद खान को खेलना आसान नहीं होगा। लेकिन राशिद खान वो धुरी है, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस राशिद खान बॉलिंग में लेकर के आते हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी गुजरात टाइटंस का फ्यूचर मेरे हिसाब से डिपेंड करता है। एंड राशिद खान विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गुजरात टाइटंस। थर्ड फैक्टर फॉर गुजरात टाइटंस इन दी आईपीएल 2022 इज गिल सैनिटी। मेरे हिसाब से शुभमन गिल का अभी तक बेस्ट वर्जन आईपीएल ने नहीं देखा है, लेकिन इस साल आईपीएल शुरू हो रहा है महाराष्ट्र की अच्छी बैटिंग विकेट्स पर और मेरे हिसाब से शुभमन गिल उन चुनिंदा इंटरनेशनल खिलाड़ियों में इस वक्त हैं, खास करके यंगस्टर्स में, जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस साल लंबे रन बनाए शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल इस टीम के बेस्ट बल्लेबाज होने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में आते ही टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगती है हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया और विजय
शंकर जैसे ऑलराउंडर्स पर। जेसन रॉय अब वहां पर मौजूद नहीं है, आपके पास या तो मैथ्यू वेट खेलेंगे, उनसे अवेलेबल होने से पहले शायद आपको सहा से विकेट कीपिंग और ओपनिंग करानी पड़ेगी, फिर गुरकीरत सिंह मान आपके होंगे, तो शुभमन गिल को इस टीम का बेस्ट बल्लेबाज बनना पड़ेगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स को मेरा मानना था शुभमन गिल को रिटेन करना चाहिए था क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को लेने की वजह से उन्होंने शुभमन गिल को रिटेन नहीं किया और अब शुभमन गिल ये दिखाना चाहेंगे कि वो किस मिट्टी के बने हैं और टीम इंडिया की टेस्ट टीम के साथ साथ वनडे और T20 फॉर्मेट में भी अपनी दावेदारी पेश करना चाहेंगे। तो गिल का ये सीजन बहुत ही शानदार होना चाहिए, 500 से 600 रन वाला सीजन, कुछ उस तरीके का जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले साल खेला था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उस तरीके की परफॉर्मेंस शुभमन गिल को देनी होगी। और अगर वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं, बल्लेबाजी का बोझ उठाते हैं, तो गुजरात टाइटंस के लिए मामला कुछ आसान जरूर कर देंगे। अगर गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की बात करें तो रिद्धिमान साहा और मैथ्यू वेड में से किसी एक के साथ आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे शुभमन गिल, नंबर 3 पर गुरकीरत सिंह मान, नंबर 4 पर डेविड मिलर, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर विजय शंकर, नंबर 7 पर राहुल तेवतिया, नंबर 8 पर राशिद खान, लोकी फर्गसन, मोहम्मद शामी और वरुण एरॉन। क्योंकि आईपीएल महाराष्ट्र की अच्छी बैटिंग विकेट्स पर खेला जाना है तो मेरे हिसाब से आपको 3 फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी, 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर, और चौथे फास्ट बॉलर का रोल आपकी विजय शंकर और हार्दिक पांड्या साथ में मिलकर उठा सकते हैं। जो खबरें आ रही है कि हार्दिक पांड्या अच्छी तरीके से फिट हो रहे हैं, 17 उनका स्कोर आया है योयो टेस्ट में, उसके अलावा वो 130 किलोमीटर पर आवर के घंटे के ऊपर से बॉलिंग भी कर रहे हैं, अगर ये खबर वाकई सच है, अगर हार्दिक पांड्या दो दो ओवर बॉलिंग करना भी शुरू कर देते हैं तो गुजरात टाइटंस के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। गुरकीरत सिंह मान से आप थोड़े ओवर निकलवा सकते हो, तेवतिया और राशिद खान आपके दो लेग स्पिनर्स होंगे, आगे जाते हुए अगर आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ती है तो जयंत यादव भी आपके पास है। मेरे हिसाब से बॉलिंग फिर भी ठीक है यहां पर गुजरात टाइटंस की, परेशानी उनकी बैटिंग में है जहां पर इतने ज्यादा ऑप्शंस भी उनके पास नहीं है और जेसन रॉय के जाने के बाद उनकी बैटिंग ऑर्डर के जो ओपनिंग जिम्मेदारी है वो भी थोड़ी ठंडी हो गई है और मैथ्यू वेट से उनको बहुत ही ज्यादा आस है क्योंकि उनके अलावा और कोई अच्छा कीपर भी उनके पास नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो रिद्धिमान साहा पे ज्यादा दो लहा पर लगाने वाले हैं, तो गुजरात टाइटंस के लिए ये थोड़ी सी परेशानी जरूर है। मिलर अगर अच्छी बैटिंग करते हैं साथ में शुभमन गिल अगर बैटिंग की जिम्मेदारी उठाते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ मुश्किलें आसान जरूर हो सकती हैं गुजरात टाइटंस के लिए, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ये टीम डिपेंड करती है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। हार्दिक पांड्या मेरे हिसाब से बढ़िया कप्तानी करने वाले हैं लेकिन टीम उनका कितना साथ देती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्या आप मेरी इस प्लेइंग 11 से सहमत हो, रिद्धिमान साहा और मैथ्यू वेड में से आप किसे शुभमन गिल का पार्टनर बनते हुए देखना चाहते हो, या आप किसी और को शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करवाना चाहते हो तो फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा, इन सारे सवालों का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर आइए जहां पर हम लगातार आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके ओपिनियंस जानना चाहते हैं, वहां पर पोल्स भी कर रहे हैं और इसी तरीके की और वीडियोस भी आपके लिए आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।